आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूं स्किन के लिए। जी हां दोस्तों, हम जब बाहर जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, पोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा डस्ट, पोल्यूशन, टैनिंग, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो इनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम इनको दूर नहीं करते तो हमारी स्किन पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम से टैन फ्री रहे, पोल्यूशन फ्री रहे, तो आज की इस रेमेडी को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, आपकी स्किन पर ग्लो लाएगी, नेचुरल ग्लो। आप अपनी चिक्स पर देखोगे दोस्तों, आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जो बेल आइकन दिया है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि कैसे हमने इस रेमेडी को तैयार करना है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक क्लीन बॉल ले लिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मेन इंग्रेडिएंट को, वो है बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है और साथ साथ हमारी स्किन से डेड सेल्स को भी निकालता है। तो ये मैं यहाँ पर हाफ स्पून ले रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ वो है शुगर, यानी कि वाइट शुगर, चीनी। ये मैं यहाँ पर 2 चम्मच लूंगी। जो शुगर होती है दोस्तों, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से स्क्रब करती है, हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिपेयर करता है, हमारी स्किन को नॉरिश करती है। अब जो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है हनी को। ये मैंने प्योर हनी लिया है, ऑर्गेनिक है ये बिल्कुल। इस तरह से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और ले लेते हैं, यानी कि 2 मैंने यहाँ पर टीस्पून भर कर लिए हैं। अब इसको हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो है मैं इसके अंदर एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ, जिससे ये अच्छे से हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा, वो है लेमन जूस। मैंने यहाँ पे 2 स्लाइस लेमन की ली है, एक मैं यहाँ रखूंगी अपने पास और दूसरी को मैं इसके अंदर स्क्वीज करूंगी। आपने ध्यान रखना है कि 1 स्पून आपने लेमन जूस ऐड करना है, और जो ये ऊपर सीड्स आ गए हैं गाइस, इनको मैं इस तरह से सेपरेट कर लेती हूँ। आप देख रहे हो कि बबल्स निकल रहे हैं, फटाफट से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारी रेमेडी जो है बनकर तैयार हो गई है, और अब हमने क्या करना है, इसे अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है, स्क्रबिंग करना है, एक्सफोलिएट करना है। हमारी स्किन एकदम से ब्राइट हो जाएगी, यंगर हो जाएगी। अगर आप अपनी स्किन को यंगर, ब्राइट बनाना चाहते हैं तो इसको वीक में एक बार अपनी स्किन पर जरूर जरूर अप्लाई कीजिए। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लेमन स्लाइस रखी थी, तो ये भी मैं यहाँ ले लेती हूँ। इसको आपने इसके अंदर इस तरह डिप करना है। डिप करने के बाद ही कुछ ऐसा होगा, और फिर आपने इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर अपनी स्किन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ।
रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, इस रेमेडी को आपने वीक में केवल एक बार ही अप्लाई करना है अपनी स्किन पर, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा लिया है। तो अगर आप बेकिंग सोडा को अपनी स्किन पर रोज रोज अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन खत्म हो जाएगी, फट जाएगी, एकदम से डैमेज हो जाएगी। तो स्ट्रिक्टली मैं बताना चाहती हूँ कि इस रेमेडी को या तो हफ्ते में एक बार, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, वो हफ्ते में एक बार करें, अदरवाइज आप इसको 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन आपने रोज रोज इसको फॉलो नहीं करना है दोस्तों, अगर करेंगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक करना स्टार्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर फटाफट से शेयर करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।